हमारी समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं। एक विकसित और स्वयंपूर्ण समाज बनाने के उद्देश्य और दृष्टि के साथ दिलासा संस्था का जन्म हुआ। पिछले 25 सालों में संस्था ने महाराष्ट्र के 12 आपदग्रस्त जिलों में और 95,000 परिवार के साथ काम किया। इस संस्था ने जल संधारण, महिला सशक्तिकरण, कृषि विकास और किसानों का मनोबल ऊंचा करना और गांव का एकात्मिक विकास आदि क्षेत्रों में काम किया है। संस्था के इसी विशेष कार्य और उद्देश्यों को बल देते हुए SBI फाउंडेशन मुंबई द्वारा SBI ग्राम सेवा कार्यक्रम ग्रामीण स्तर पर अक्टूबर 2017 से लेकर सितंबर 2020 इन 3 वर्षों के लिए कार्यान्वित किया गया। In the year 2015, State Bank of India set up the SBI Foundation to give a strategic direction to its CSR activities. And we came up with the Gram Seva flagship project in the year 2017. India lives in its villages, and vibrant villages are key to India's success. That's why SBI Foundation started the SBI Gram Seva project. Through this project, we adopt villages and initiate activities for holistic development and try to implement these activities with the participation of the community and the Gram Panchayat. SBI Gram Seva Prakalp Vidarbha Kshetra ke 5 gaavon mein karyanvit hua. Isme Vardha jile ke Aravi taluka ke Panjra, बोथली, भादौड़, उमरी और सुकली गांवों का समावेश है। SBI ग्राम सेवा प्रकल्प का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में आधुनिकीकरण के माध्यम से विकास करना और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ऑनलाइन और डिजिटल जानकारियों के प्रति जागरूक करना है। गांव का एकात्मिक विकास करना यानी गांवों की शिक्षा, खेती, आजीविका और स्वास्थ्य, इन घटकों को ध्यान में रखकर इसलिए SBI ग्राम सेवा कार्यक्रम के तहत 20 उपक्रम निर्मित कर इसे साध्य करने हेतु ग्राम स्तर पर एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक गांव कार्यकर्ता और एक उपचारात्मक शिक्षक का चयन किया गया। नमस्ते, मैं पराग काळे, प्रोग्राम मैनेजर SBI ग्राम सेवा। ग्राम सेवा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से डेवलप हुआ मॉडल है। हम अभी डेवलपमेंट सेक्टर के सभी कंपोनेंट पे गए 3 साल से काम कर रहे हैं, जिसमें डिजिटाइजेशन ऑफ पंचायत एंड विलेज, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, ये सभी कंपोनेंट पे, लाइवलीहुड, ये सभी कंपोनेंट पे हम काम कर रहे हैं। समुदाय जानकारी केंद्र गांव के सरकारी बंद पड़ी हुई इमारत की जानकारी लेकर उन सभी गांवों में इमारत का नवीकरण किया और समुदाय जानकारी केंद्र हरेक गाँव में बनाया गया। जिन सुविधाओं के लिए गांव के लोगों को दूर जाना पड़ता था, उन सभी सुविधाओं को गांव में ही उपलब्ध कराया गया। इस समुदाय जानकारी केंद्र में जेरॉक्स, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, DTH के साथ स्मार्ट टीवी उपलब्ध कराया गया। शिक्षा कहानियां, उपन्यास जैसी किताबों के साथ एक परिपूर्ण ग्रंथालय जैसे सुविधाओं को गाँव में ही उपलब्ध कराया गया। ग्रामवासियों को कम कीमत में जेरॉक्स तथा ऑनलाइन सुविधाएं मिलने लगी। किसानों को अपने फसल बीमा, छात्र स्कॉलरशिप आदि फार्म समुदाय जानकारी केंद्र में उपलब्ध होने लगे और महिला बचत समूहों के चर्चा सत्र समुदाय जानकारी केंद्र ही में होने लगे। माझ्या गावात SBI ग्राम सेवा प्रकल्पाच्या माध्यमातून माहिती केंद्र मिळालेले आहे। त्या माहिती केंद्रामध्ये शासकीय योजनांचे, विविध योजनांच्या माहितीचे चार्टसुद्धा लावले आहे। या चार्टच्या माध्यमातून आम्ही गावातील सर्व लोक पुरेपूर वाचन करून त्याची माहिती घेतो। SBI ग्राम सेवा प्रकल्प हमने 2017 में स्टार्ट किया था। तो जब हमने गाँव में आके जब सर्वे किया तो गाँव के लोगों की परिस्थिति बहुत ही खराब थी और गाँव के लोग, 5 गाँव के लोग जो भी ट्राइबल्स विलेज हैं, जो सरकारी ऑफिसेस में जाने के लिए डरते थे, तो उनमें हमने मीटिंग्स लेके अवेयरनेस क्रिएट करके स्कीम के बारे में समझाया और स्कीम के बारे में समझाने के बाद में इतना अवेयरनेस क्रिएट किया कि लोग ऑफिस में जाने के लिए प्रवृत्त हो गए और प्रवृत्त होने के बाद में
गवर्नमेंट ऑफिस में वो लोग जाने लगे और उसके माध्यम से हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट, कृषि विभाग, जिला परिषद, पंचायत समिति और जो हमारा लोकल इंस्टीट्यूशन है, हमारा ग्राम पंचायत, उससे प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन योजना, इस पर हमने काम करते हुए सभी लोगों को यहाँ पे कन्वर्जेंस में जलयुक्त शिवार का भी हमने काम किया है और उस माध्यम से गवर्नमेंट के आज हमारे पास में ग्राम सेवा प्रकल्प में जो कन्वर्जेंस होते हुए हमने देखा है और करेंटली जो अभी मेरे पास में अंक आए हुए हैं वो 3,25,00,000 का हमने गवर्नमेंट के साथ में कन्वर्जेंस किया है। ई लर्निंग शिक्षा, शिक्षा हर एक का बुनियादी हक है। यह कंप्यूटर युग है और ऐसे आधुनिक युग में देहाती युवाओं को तंत्र शिक्षा मिलना बहुत जरूरी है। एसबीआई ग्राम सेवा प्रकल्प के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को सुसज्ज करने हेतु हर एक गांव की जिला परिषद पाठशालाओं में कंप्यूटर संच दिए गए। इन कंप्यूटर के कारण छात्रों में कंप्यूटर के प्रति ज्ञान बढ़ रहा है। ग्राम सेवा प्रकल्प के सभी पाठशालाओं में डिजिटल क्लास, ई लर्निंग शुरू करने हेतु एक स्मार्ट टीवी ई लर्निंग पाठ्यक्रम के साथ स्थापित की गई। उसके कारण छात्रों का शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़ रहा है। ग्राम सेवा प्रकल्प अंतर्गत आमच्या शाळेला 3 संगणक प्राप्त झालेले असून या सर्वांमुळे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होण्यास खूप खूप मदत झालेली आहे। गांव के गुणवान और अलग अलग क्षेत्रों में योग्य युवा जो आर्थिक रूप से दुर्बल थे, ऐसे 6 आरवी और 8 धारूर के युवक युवतियों को प्रोत्साहित करने हेतु और उनका उसी क्षेत्र में योगदान जारी रखने के हेतु प्रति छात्र ₹20,000 तक आर्थिक सहाय किया गया। इसके लिए गांव के शिक्षित और शिक्षा प्रेमी व्यक्ति का उपचारात्मक शिक्षक के रूप में चयन किया गया और गांव की सांस्कृतिक और सामुदायिक कार्यक्रमों में सक्रिय सहभाग ले रहे हैं। जल और पर्यावरण संगोपन, जल यानी जीवन। विदर्भ क्षेत्र में इस प्रकल्प के 5 गांव हर साल सूखा और पानी की कमी का सामना कर रहे थे। इन सभी समस्याओं की जानकारी लेकर पूरे क्षेत्र का अभ्यास करने के बाद दिलासा संस्था का विशेष उपक्रम यानी डोहा मॉडल के माध्यम से जल संधारण करना और पानी की कमी कम करना, इस विषय में काम किया गया। गांव की नदी गहरी करना और पानी रोकने का काम करने के बाद बोरवेल, कुआं आदि पर अच्छा परिणाम देखने मिला और भूजल स्तर बढ़ गया। एसबीआई ग्राम सेवा प्रकल्प अंतर्गत ज्यावेळेस पासून हा डोहा बनवण्यात आला त्या वर्षीपासून आमच्या वॉटर सप्लायची विहिरीची पातळी वाढली पाण्याची। त्याचप्रमाणे जे कास्तकार आहे ते कास्तकार त्या विहिरीपासून त्या डोहाच्या पाण्यापासून आपल्या शेतीची ओलीत करत आहे आणि ओलीत केल्यामुळे पहिले आम्हाला 2 क्विंटल एकरी पिकायचं, आता ते त्यांना त्या पाण्याला पिकाला पाणी देत असल्यामुळे आता आम्हाला एकरी 5 क्विंटल उत्पन्न होत आहे। सॉयलँड वॉटर कंजर्वेशन में हमने लोगों के लिए एग्रीकल्चर के लिए डोहाज डेवलप करके दिए है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर में हमने आरोज इंस्टॉल किए है जो 5 रुपए में हम 20 लीटर पानी का प्रोवाइडेशन कर रहे हैं। दिलासा संस्था की ओर से बहुत सारा साफ पानी हर एक गांव में इस प्रकल्प के अंतर्गत आरओ के माध्यम से देने का काम किया गया है। अब ग्रामवासियों को 5 रुपए में 20 लीटर पीने का साफ पानी मिल रहा है। आमच्या इथे एसबीआई ग्राम सेवा प्रकल्प माध्यमातून आरओ बसवलेला आहे, त्यामुळे आम्हाला शुद्ध पाणी प्यायला मिळते आणि शुद्ध पाणी प्यायला मिळाल्यामुळे आमच्या इथे रोगराई बऱ्याचपैकी आटोक्यात आलेली आहे। 5 रुपयात आम्हाला 20 लिटर पाणी प्यायला मिळते। एसबीआई ग्राम सेवा प्रकल्पाचे मी आभार मानते। पर्यावरण संवर्धन की दिशा में एसबीआई ग्राम सेवा प्रकल्प की ओर से हर साल हरेक गांव में अलग अलग फल देने वाले पौधे ग्रामवासियों को दिए गए। यह सभी पौधे गांव वालों को देकर उन्हें अपने ही आंगन में या आसपास की जमीन में लगाने के लिए प्रेरित किया गया। इस कारण पर्यावरण संवर्धन का काम हो रहा है और उनका पर्यावरण के प्रति स्नेह बढ़ गया है। आजीविका विकास और सरकारी योजना। एसबीआई ग्राम सेवा प्रकल्प के अंतर्गत ग्रामवासियों का आजीविका विकास और उनका कौशल्य विकास के लिए काम किया गया। एसबीआई, आरएसईटीआई, पशु संवर्धन विभाग, जिला उद्योग केंद्र, इन सब की सहायता से गांव में विविध प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन किया गया।
ग्रामवासियों को पशुपालन, डेयरी फार्मिंग, कुक्कुट पालन, मोबाइल रिपेयरिंग इन विषयों में प्रशिक्षित किया गया और एसबीआई प्रेरणा उपक्रम के अंतर्गत 250 से अधिक महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया गया। सरकारी योजनाओं का साथ देते हुए किसानों को विविध कृषि विभाग की योजना जैसे के फलबाग स्प्रिंकलर के लिए उन्हें 5,000 रुपयों का आर्थिक सहाय किया गया। स्मशान भूमि, मनरेगा पर अमल आदि विषयों में काम शुरू करने के लिए बार बार ग्राम सेवक तथा तालुका और जिला स्तर पर ग्रामवासियों के साथ चर्चा की गई और गांवों के विविध काम करने का कार्य इस प्रकल्प के अंतर्गत किया गया और अधिकारी एवं लाभार्थी और गांव के लोगों का तालमेल बिठाकर अब दोनों स्तर पर सकारात्मक सफर शुरू है। आधीची परिस्थिति खालावलेली होती महिलांची, पण प्रेरणा फिल्मकला केंद्र प्रशिक्षणामुळे त्यांना रोजगार मिळालेला आहे, त्यामुळे एसबीआय ग्राम सेवा प्रकल्पाची मी आभारी आहे। इंटरनेट बँकिंग का भी फैसिलिटी वहां पे सीएसपी के माध्यम से हमने वहां पे डेवलप किए हैं। उसके बाद लाइवलीहुड में हम अभी महिलाओं एसएचजी के महिलाओं के साथ, यूथ और फार्मर के साथ उनका टेक्निकली कैपेसिटी बिल्डिंग करके हम उनका बिजनेस में सपोर्ट कर रहे हैं और अब वो खुद में एक इनकम जनरेशन मोड पे आए हुए हैं। हम उनको अभी जो सपोर्ट दे रहे हैं उन पे अभी एक अच्छा हमें चेंज दिख रहा है। स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं जन जागृति, एसबीआई ग्राम सेवा प्रकल्प के माध्यम से गांव का एकात्मिक विकास करने के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता यह एक महत्वपूर्ण मापदंड है और इस विषय पर सबसे पहले गांव की स्वास्थ्य की नियमित समस्या, स्वच्छता का दर्जा इन विषयों पर सर्वेक्षण किया गया। प्रकल्प के अंतर्गत हर 3 महीने में हरेक गांव में सर्वेक्षण के बाद आए हुए विविध विषयों पर आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। इसके साथ ही गांव के पास के सरकारी अस्पताल आधुनिक करने के हेतु एवं ग्रामवासियों को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करने के हेतु से 3 अस्पतालों को फ्रिज, लाइट फिटिंग, बैठने की सुविधा, डिजिटल बीपी मीटर, वैक्यूम क्लीनर इत्यादि उपकरण दिए गए और इन अस्पतालों का दर्जा बढ़ाया गया। इसी के साथ गांव का कचरा प्रबंध करने के लिए हरेक गांव में 12 कूड़ादान और कचरे के लिए 2 गड्ढे किए गए। इस कारण ग्रामवासी, महिला, पुरुष, युवक और ग्राम पंचायत ये सब मिलके हर शनिवार स्वच्छता मुहिम के माध्यम से गांव का कचरा कूड़ेदान में जमा कर रहे हैं। गरीब और जरूरतमंद 450 परिवारों को उनके शौचालय की मरम्मत करने के लिए आर्थिक मदद की गई। छोटे बच्चों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुदृढ़ रहे इस उद्देश्य से गांव की जिला परिषद स्कूलों की शौचालय की मरम्मत ही नहीं बल्कि उसका सुशोभीकरण और हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन जैसे आधुनिक सुविधाएं छात्रों के लिए उपलब्ध करने का काम इस प्रकल्प के माध्यम से हुआ है। झाड झूड के लिए तो खात आमचं तिथे ढोराचं काही काळी कचरा जमा करून आम्ही इथे टाकतो, त्याचं आम्हाला खात होतं। खात झाल्यामुळं आम्ही ते शेतामध्ये नेऊन टाकतो। शेतात टाकल्याच्या नंतर आता माझी पराठी काही फुवारे वगैरे कलम मला कोणतंच काम न पडलं। फुवारा करा बावा, काही खात वगैरे घ्या, हे मला काम न पडलं। खात टाकल्यामुळं माझी पराठी चांगली आहे। भौतिक और आधारित संरचना विकास, लोड शेडिंग ग्रामीण क्षेत्र की बड़ी समस्या है। इस समस्या का निवारण करने के लिए एसबीआई ग्राम सेवा प्रकल्प के अंतर्गत 90 सोलर पथ दिए लगाए गए। गल्ली मध्ये अंधार होता, मग एसबीआई ग्राम सेवा तर्फे आम्हाला सोलर देवायचं त्यांनी लावला। मग आमचे मुलं नंतर दारात इथे खेळतात, लाईट गेल्यानंतर महिला सध्या इथे येऊन बसतात। कधी कधी आम्ही गटाची लाईट जर नसली तर आम्ही गटाची मीटिंग सध्या इथे घेतो। और जिस जगह पर ग्रामवासियों के लिए बैठने की जगह नहीं थी वहां आज सारी सुविधाओं सहित बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड बनाए गए हैं। इस कारण संचार की सुविधा हो गई है। ग्राम सेवा से मी आभार मानतो, एसबीआई ग्राम सेवा से मी आभार मानतो। या गावात कोणती सुविधा नव्हती जाने येण्यासाठी, हे इमारत तेन उभी केलेली आहे। 10 लोक या
इमारत का फायदा घेते इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने बस स्टैंड और कम्युनिटी रिलेटेड वर्क किया है जिसमें अब सभी कम्युनिटी बहुत सेटिस्फाइड है वो फैसिलिटी रूटीनली वो यूज़ कर रहे हैं उसका उनको बहुत अच्छी तरीके से बेनिफिट हुआ है। ये सभी चीज़ों में हमको ग्राम पंचायत कम्युनिटी विलेज डेवलपमेंट कमेटी का अच्छा पार्टिसिपेशन मिला है, खास करके महिलाओं का हमें अच्छा पार्टिसिपेशन मिला है। अब सब लोग हमारे साथ जुड़ के आगे भी डेवलपमेंट की तरफ जाने की उम्मीद रख रहे हैं। मैं बहुत आभारी हूँ SBI फाउंडेशन का कि जिन्होंने अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे दे के लोगों का अच्छा ख्याल रखा है और लोग अभी सब कम्युनिटी अभी आगे अपना खुद का आत्मनिर्भर करने के लिए वो अभी अपनी मानसिकता बनाए हुए हैं। इस प्रकार से हर एक देहात के एकात्मिक विकास के लिए बुनियादी चीजों की पूर्तता हो, इसलिए दिलासा संस्था और SBI फाउंडेशन द्वारा लागू किया गया SBI ग्राम सेवा प्रकल्प आज सारी दुनिया के सामने एक आदर्श प्रकल्प के स्वरूप में उभर कर आ रहा है।